लोकसभा चुनाव जोरों पर है, वहीं कांग्रेस के हाथ से एक एक करके कई नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। एक झटका ऐसे ही बिहार में लगा है। बिहार में चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को झटका देते हुए पार्टी के बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी। प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा और अरविंद ठाकुर ने पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। इस दौरान नेताओं ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। विनोद शर्मा ने कहा कि राष्ट्रहित और राज्य हित में दुखी मन से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कांग्रेस पार्टी जंगल राज पार्टी 2 की शुरुआत के लिए राजद के सामने घुटने टेक दिए हैं। भारत तेरे 100-100 टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले के सरगना को दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी बनाती हो, मंशा स्पष्ट है। विनोद शर्मा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आगाह करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में खोटे सिक्के और धन कुबेरों को आगे बढ़ाना चाहती है, जिससे पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो रही है। अतः मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्य सहित सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। बिहार कांग्रेस के नेता अरविंद कुमार ठाकुर ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। अरविंद कुमार ठाकुर ने कहा कि राम मंदिर, जनसंख्या संतुलन, संपत्ति बंटवारा आदि पर जनभावना के प्रतिकूल सोच एवं समर्पित कार्यकर्ता की उपेक्षा के चलते मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को दूसरे दल में जाने से कैसे रोकती है। क्या कांग्रेस बिहार में खत्म हो जाएगी? क्या कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के आने से पार्टी मजबूत होगी? ये तो बस वक्त ही बताएगा।